हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग अप। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द नेट पेपर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। इट इज़ द पार्ट थ्री। ऑलरेडी मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में वो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लास्ट ईयर्स में आए थे डिस्कस किए थे। सो इन दिस लेक्चर हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक पहले दो पार्ट में है। सो पार्ट थ्री का पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। क्वेश्चन आया था ये जून 2012 में, कि अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपने विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ टीच करना है तो आप कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, आप क्या करेंगे। द ऑप्शंस आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी मे सफ़र, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथिकली इन द क्लासरूम, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस is his destiny and hence you cannot do anything, arrange a seat in the front row and try to teach at a pace convenient to him। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी, ऑप्शंस को 2-3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, आपको एक आइडिया हो जाएगा। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, arrange a seat in the front row and try to teach at a pace convenient to him। देखिए बाकी ऑप्शंस वैसे ही देखोगे तो गलत लगेंगे। नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन, ये गलत है, ठीक है। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, ये भी गलत है। आप ये सोचोगे कि ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी and hence you cannot do anything, this is again wrong, so option D is the right answer। Question number 42, which of the following does not belong to a projected ad, projected ad ko kaun sa belong nahi karta, overhead projector, blackboard, pediascope, स्लाइड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टेड एड जो टीचर हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैकबोर्ड, एपीडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। सो कौन सा नहीं है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लैकबोर्ड डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन आया था ये जून 2012 में, टीचर के लिए कौन सा मेथड करेक्ट रहेगा जब बोर्ड पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, ऑप्शन बी राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, ऑप्शन डी राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। फॉर ए टीचर विच ऑफ द मेथड इज करेक्ट, ऑप्शन डी राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स as clearly as possible। Next question, a teacher can be successful if he she
क्वेश्चन आया था जून 12 में, टीचर सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो ऑप्शंस हैं हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी, ऑप्शन हैं हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. द राइट आंसर क्या है? टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी कैन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, डायनामिक अप्रोच क्या कहते हैं टीचिंग में? ऑप्शंस हैं टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड अफेक्टिव, टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज. डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, ऑप्शंस कौन से हैं? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड अफेक्टिव, टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज. तो डायनामिक अप्रोच क्या है टीचिंग की? द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज. नेक्स्ट, By which of the following methods the true evaluation of the students is possible? कौन सी evaluation सही है जिससे truly evaluate हो जाते हैं students? True evaluation of students. Options हैं evaluation at the end of the course, evaluation twice in a year, continuous evaluation, formative evaluation. True evaluation of the student कैसे possible है? इवैल्यूएशन कोर्स के एंड पे करेंगे, इवैल्यूएशन ट्वाइस करेंगे ईयर में, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी जहाँ कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन. सो द राइट आंसर इज द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर. स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता है टीचर के साथ, एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस, और टीचर के हाउस को वो विजिट करता है. द टीचर शुड, ऑप्शंस हैं स्टूडेंट आपके पास आया अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आपके घर पे, तो टीचर को क्या करना चाहिए? कंटेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस. ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा. सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल. ठीक है, सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस, द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन हैं स्टूडेंट के पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करें और उसकी प्रॉब्लम दूर करें, सुजेस्ट करे कि ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, सुजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द टीचर शुड एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल. नेक्स्ट, व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिसचीफ, What will be your role as a teacher? कुछ students class के disturbance create कर रहे हैं class में, आपका role क्या होना चाहिए as a teacher? उन students को बाहर निकाल देना, expelling those students, isolate those students, उनको अलग कर देना, reform the group with your authority, group अलग बना देना,
गिविंग दम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, कि उनको एक मौका दिया जाए कि वो अपना बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके. सो व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ ए क्लास, व्हाट विल बी योर रोल? यू मस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ए टीचर इज सेट टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क. ऑप्शंस आर मीनिंगफुल क्वेश्चंस, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए फिक्स्ड टाइम, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन ए फिक्स्ड टाइम. टीचर इज सेट टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क. ऑप्शंस आर मीनिंगफुल क्वेश्चन, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द फिक्स टाइम, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन द फिक्स टाइम. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीनिंगफुल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर? कौन सी क्वालिटी एसेंशियल है? ही शुड बी ए लर्न्ड पर्सन, ही शुड बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, ही शुड हैव पेशेंस, he should be an expert in his subject. Most essential quality of a teacher is, option kaun se hai, he should be a learned person, he should be a well dressed person, he should have patience, he should be an expert in his subject. The most quality kaun si hai, most important quality, most essential kaun si hai? Option D, he should be an expert in his subject. तो इस सीरीज़ में इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज़ में डालूँगा, अभी तक हमने कवर किए हैं. ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे दिसंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50. तो अभी तक हमने किए हैं दिसंबर 11 तक के क्वेश्चंस, और भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.